हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाला है इंग्लिश हिस्ट्री के रोमांटिक पीरियड में से बिलोंग करने वाले सर वाल्टर स्कॉट के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नोवेलिस्ट है। उन्होंने हिस्टोरिकल नोवेल को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड क्लास पॉपुलरिटी पाने के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो चलिए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सर वाल्टर स्कॉट के जन्म हुए 15 अगस्त 1771 कॉलेज एंड एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, और उनकी मृत्यु 21 सितंबर 1832 एबॉट्सफोर्ड रॉक्सबर्गशायर इन स्कॉटलैंड। बाय ऑक्यूपेशन ही वॉज एन हिस्टोरिकल नोवेलिस्ट, पोएट, एडवोकेट, शेरिफ डेपुट, क्लार्क ऑफ सेशन। फ्रेंड्स, एक्चुअली सर वाल्टर स्कॉट ने एडिनबर्ग कॉलेज से अब लॉ के ऊपर अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद 1786 में उनके पिताजी, जो कि एक प्रोफेशनल लॉयर थे, उनके ऑफिस में ज्वाइन किया था। वहाँ पर तकरीबन 10 साल काम करने के बाद 1796 में उन्होंने अपने लिटरेरी वर्क की शुरुआत किया था। सर वाल्टर स्कॉट की नेशनलिटी है स्कॉटिश। उनके अल्मा मेटर है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। इंग्लिश लिटरेचर की 19th सेंचुरी में सर बिलोंग करते थे। उन्होंने जिस लिटरेरी मूवमेंट पर अपने कंट्रीब्यूट किया है वो है रोमांटिसिज्म। अब बात करेंगे उनके द्वारा लिखित इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं उनके द्वारा लिखित पोएट्री के बारे में। यहाँ पर जो नंबर वन पर आते हैं वो है एन एपोलॉजी फॉर द टेल्स ऑफ टेरर 1799, मिनिस्ट्रेलसी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर 1802-1803, द लेडी ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रेल 1805, मैनमियन 1808, द लेडी ऑफ द लेक 1810, द विजन ऑफ डॉन रॉड्रिक 1811, रॉकवी 1813, द ब्राइडल ऑफ ट्रायरमेन 1813, द लॉर्ड ऑफ द आइल्स 1815, द फील्ड ऑफ वाटरलू 1815, हेरोल्ड द डॉन्टलेस 1870। उनकी तरह लगी तेसरी पोएट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो पोएट्री वो द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, मर्मियन, द लेडी ऑफ द लेक। अब बात करें उनकी तरह लिखित फिक्शन यानी कि उनकी तरह लिखित नोवेल्स के बारे में। यहाँ पर जो पहले नंबर पर आते हैं वो है वेवरली 1814। वेवरली उनकी तरह लिखित इंपॉर्टेंट नोवेल में से भी एक है। उसके बाद है गैम मैनरिंग 1815, द एंटीक्वेरी 1816, द ब्लैक ड्वार्फ 1816, द टेल ऑफ ओल्ड मॉर्टलिटी 1816, रॉब रॉय 1817, द हार्ट ऑफ मिडलोथियन 1818, द ब्राइड ऑफ लैमरमोर 1819, अ लेजेंड ऑफ मॉन्ट्रोज 1819। यहाँ पर जो वर्क्स है उन सारे वर्क्स को उन्होंने टेल्स ऑफ माई लैंडलॉर्ड सीरीज़ में पब्लिश किया था। यहाँ पर पहला सीरीज़ में जो आता है वो है द ब्लैक ड्वार्फ एंड द टेल ऑफ ओल्ड मॉर्टलिटी, और सेकंड सीरीज़ में जो पब्लिश किया था वो है द हार्ट ऑफ मिडलोथियन, और थर्ड सीरीज़ में पब्लिश किया था द ब्राइड ऑफ लैमरमोर एंड लेजेंड ऑफ मॉन्ट्रोज। उसके बाद आता है इवन हो 1919। इवन हो भी उनकी द्वारा लिखित मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स में से एक है। उसके बाद है द मोनेस्ट्री 1820, द एबॉट 1820, कैनीलॉर्ट 1821, द पैरेट 1821, द फॉर्च्यून्स ऑफ नाइजल 1822। उसके बाद है पेवरिल ऑफ द पिक 1823, क्वेंटिन डरवर्ट 1823, सेंट रोनान्स वॉल 1823, रेड जॉन ट्लेट 1824, द बेथ्रॉड 1825, द टेलिस्मान 1826। यहाँ पर जो दो वर्क्स है द बेथ्रॉड एंड द टेलिस्मान, इन दोनों वर्क्स को उन्होंने टेल्स ऑफ द क्रूसेडर्स नाम के किसी सीरीज में पब्लिश किया था। उसके बाद आते वुडस्टॉक 1820, क्रॉनिकल्स ऑफ द कैनोनगेट 1827, द फेयर मेड ऑफ पर्थ 1828, एन ऑफ ग्रैडस्टेन 1829, काउंट रॉबर्ट ऑफ पेरिस 1831, कैसल डेंजर्स 1832। यहाँ पर लास्ट जो दो वर्क्स यानी कि काउंट रॉबर्ट ऑफ पेरिस और कैसल डेंजरस, इन दोनों वर्क्स को उन्होंने टेल्स ऑफ माय लैंडलॉर्ड के फोर्थ सीरीज में पब्लिश किया था। उनकी द्वारा लिखित वर्क्स में से नंबर थ्री कैटेगरी में जो आता है वो है मिसेलेनियस प्रोज, यानी कि उन्होंने अपने नोवेल्स और पोएट्री के साथ साथ कुछ मिसेलेनियस प्रोज भी लिखा था। वो है पॉल्स लेटर टू हिज नाइफ फॉक 1816, लेटर्स ऑफ मेलासिम मेलाग्रोथर 1826,
द लाइफ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट 1826 टू 1828, टेल्स ऑफ ए ग्रैंडफादर 1828 to 31, लेटर्स ऑन डेमोनोलॉजी एंड विचक्राफ्ट 1830। तो दोस्तों ये सब था सर वाल्टर स्कॉट के द्वारा लिखित इंपॉर्टेंट वर्क्स। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई सारी पोएट्री, नोवेल्स और मिसलिनियस प्रोज लिखा था जो कि ज़्यादातर फेमस नहीं हुई। अगर आप सर वाल्टर स्कॉट के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर और एक बात है, अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर वाल्टर स्कॉट या फिर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ सर वाल्टर स्कॉट, इन सारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको हेल्प हो इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे अपडेट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।